हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से आप बोगनवेलिया को खूब ज़्यादा अपने गमलों में खिला सकते हैं। जी हाँ, बोगनवेलिया को आप देख रहे हैं कितना तबीयत से खिला हुआ है ये। आज इसका मैं आपको बताऊंगा राज कि आपको अपने गमले में क्या डालना है कि इस तरह से आपके फूल बहुत खिलकर आएंगे और आपको कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना है। जो मेरे प्लांट में ये फूल इतने खिलकर आ रहे हैं तो आपके भी पॉट में बोगनवेलिया में बहुत ज़्यादा फूल खिल कर आएंगे, तो वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि ये पॉट कम से कम आपका 18 इंची होना चाहिए। देख रहे हैं पॉट, इसमें मैंने जो है, और दूसरी टिक ये है कि इसको आपको पानी जब देना है 3-4 दिन के बाद देना है और तबीयत से दीजिए, यानी कि एकदम लबालब भर दीजिए पॉट को। 4-5 दिन सूख जाए, जब पूरी मिट्टी सूख जाए आपकी, लगभग आपको अनुमान होगा, अंदाज़ा होगा इस बात का कि आपके प्लांट में अब मिट्टी सूख गई होगी, तब आप पानी डालिए और तब जस्ट डालिए पानी। और ये देखिए, मैं इसमें छोटे प्लांट लगाया हूँ कलम से, ये भी ग्रो हो रहे हैं, कुछ दिनों में इसकी भी जो है बढ़ोतरी होगी। ये दूसरे भी मैं लगाया हूँ। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ अपनी बात की, राज की बात, कि मैं अपने पॉट में ड्रेनेज होल नहीं रखता। जी हाँ, आप लोग चौंक गए होंगे कि ड्रेनेज होल क्यों नहीं रखते आप, तो मैं आपको बता दूं इसकी खासियत। इस पत्ती में देखिए कीड़े भी लगे हुए हैं। वजह ये होती है कि आपको ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये मेरा प्लांट ऐसा है कि इसमें आप देख रहे हैं इतने भर भर के फूल आ रहे हैं कि तबीयत खुश हो जा रही देख के। मेरी थिंकिंग ये है कि आप ऐसा गार्डनिंग करिए कि आपको मेहनत कम लगे और आपको रिजल्ट ज़्यादा आए। तो ये देखिए, ये मेरा प्लांट है, बोगनवेलिया का दूसरा भी है, ये मदर प्लांट मेरा 3 साल का लगभग है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, बहुत मतलब कि काम की चीज़ है। देख रहे हैं कितना फर्स्ट क्लास निकली है। मैं इसको कटिंग नहीं करता, जी हाँ, मैं इसकी ग्राफ्टिंग कटिंग कुछ नहीं करता, इसकी इसको बढ़ने देता हूँ। आपने वीडियो देखा होगा यूट्यूब पर और भी जगह प्लेटफॉर्म पर कि लोग कटिंग कर देते हैं कि कटिंग करेंगे तो ढेर सारी किले निकलेंगे तो फूल खूब बनेंगे, मगर मैं कटिंग नहीं करता, पूरे एकदम भरे हुए हैं। और दूसरी बात, मैं इसमें कोई भी बाज़ार का चीज़ मार्केट से नहीं खरीद कर डालता, सिर्फ इसमें मैं काऊ डंग डालता हूँ, यानी खाद, गोबर की खाद, वो भी 2 से 2.5 साल पुरानी खाद। देख रहे हैं कितने खिल कर फूल आ रहे हैं। और आपको कटिंग कभी नहीं करना है अगर आपके पास स्पेस है तो, अगर स्पेस नहीं तो आप कटिंग कर लीजिए, बात की बात है, मगर मैं कटिंग कभी नहीं करता। और बहुत तबीयत से ये फूल खिल कर आ रहे हैं, तो मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये नीचे भी मेरे प्लांट लगे हुए हैं। इसको मैंने जो है लतर द्वारा बोगनवेलिया को पिंचिंग किया, खूब फूल बनेंगे, इसमें फूल खिलने भी लगे हैं। ये 1 साल का पेड़ है ये मेरा, ये लगभग, और ये मैं अपने जो है झूले के बगल में लगाया हूँ बड़े पॉट में, और ये मेरे पॉट हैंडमेड हैं। और ये देखिए, यहाँ भी मैं कलम द्वारा प्लांट को ग्रो करके इसमें लगाया हूँ। और खाद में वही काऊ डंग डालता हूँ मैं। और आपको जब इसकी मिट्टी बनानी हो तो 40% सॉयल प्लस 60% काऊ डंग, तब देखिए कितनी तबीयत से खुल कर इसमें आप में फ्लावर आएंगे। ये देखिए, मैंने पिंचिंग किया था और खूब ग्रोथ हुई है नए नए किले की, और फूल लगे हुए हैं, हफ्ते भर बाद इसमें फूल बहुत खिल कर आएंगे। ये फ्लावर ऐसे होते हैं कि 25 से 30 दिन खिले रहते हैं, और इसमें आपको ज़्यादा केयर नहीं करनी है। देखिए, मैंने इसमें पानी एकदम नम किया हूँ, मतलब सूखने नहीं देता, और इसको जो है 3 से 4 दिन बाद पानी डालता हूँ और तबीयत से फूल खिलते हैं, इसमें तबीयत खुश हो जाती है। तो आपको बाज़ार से कुछ नहीं लेना है, सिर्फ मिट्टी तो आपको मिल ही जाएगी, कोई भी मिट्टी हो आपके क्षेत्र की, उसमें काऊ डंग डालिए, और काऊ डंग पुराना हो, 2 से 3 साल तो और बढ़िया है। और ये देख रहे हैं कितने फर्स्ट क्लास चल रहे हैं, ये भी मैंने कलम से लगाया था, ये भी ग्रो हो रहा है मेरा छोटा बोगनवेलिया। और मैं अपने पॉट में ड्रेनेज होल नहीं बनाता, जी हाँ, ये बहुत बारीक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये केयरलेस प्लांट है, मगर मेरा ये फेवरेट प्लांट है, बहुत फूल खिलता है इसमें, 10 महीना फूल देता है, 11 महीना, 1 महीना थोड़ा जो है डोरमेंसी टाइम में रहता है। और ये देखिए, छोटे प्लांट मैंने इसमें लगाया है, यहाँ भी देखिए फूल बड्स बन रहे हैं। ये पीली पत्ती इसलिए पड़ रही है कि मैंने इसको ट्रांसप्लांट किया है ग्रो बैग से, और इसको जो है ग्रो बैग में इसलिए बताया कि मैं ग्रो बैग में कलम बना के रख लेता हूँ, कभी किसी को देना होता है तो मैं दे देता हूँ निकाल के। बाकी मैं टोटल प्लांट अपने कलम से तैयार करता हूँ। ये देखिए, एक प्लांट यहाँ तैयार मेरा है, इसमें
ये भी बड़ा पॉट है, इसको भी कुछ दिनों में मैं बाहर ट्रांसप्लांट करूँगा। और ये दूसरा गुच्छे वाला हाइब्रिड फ्लावर है ये, और इसके भी मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा जब फूल आएगा। ये देखिए दूसरा कलम यहाँ भी तैयार किया हूँ मैं इसमें, ये भी पेंट की बाल्टी है, बॉक्स बाल्टी, उसमें मैं ड्रेनेज होल नहीं बनाया हूँ, काउ डंक वही 60% 40% सोयल। और इसमें देखिए कलम मैंने लगाए रखे हैं जेजी प्लांट के बगल में, ये देख रहे हैं पत्तियाँ लगी हुई हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैं कलम बनाता हूँ और फूल को खिलकर आने देता हूँ। दोस्तों वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मैं फिर मिलूँगा, गुड बाय दोस्तों।